ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರತ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಏಕತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಬೀದರ್ ಟೀಮ್. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಔರತ್ ನಗರ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಏಕತಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಬಡ ಗುಡಿಸಲು ವಾಸಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಕ್ ಪಾಟೀಲ್, ಓಂಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಮರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾವರ ಮಠ, ಮಹೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ್ ಅಲ್ಮಾಜಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ವರದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾಠೋಡ್, E7 ನ್ಯೂಸ್, ಔರಾದ್. एकता फाउंडेशन के तरफ से औरत तालुके में से चांदूरी पंचायत दो गांव चांदूरी और हल्लाड़ी ये दोनों गांव दत्तक लिए ऐसा हमारा फाउंडेशन के तरफ से कुछ युवकों के सहयोग से काम करने का कोशिश किया है. इसमें जो बड़ा कुटुंब बोलते उन वैसे लोगों को आशा वर्कर और पंचायत की तरफ से फाइंड आउट करके किट बनाया हुआ है. किट बना के मिनिमम अब तक ये दोनों विलेजों में 600-700 किट ऑलरेडी दे चुके हैं. लेकिन यहाँ पे और एक चीज देखने में आया है कि यहाँ पे पूरे तालुके में इनके पास भी मास्क का अवेलेबिलिटी नहीं है. मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, ग्लोजेस नहीं है, ऐसे ही काम कर रहे थे. और सभी बहुत अच्छी तरह काम कर रहे थे. यहाँ का पंचायत हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, बहुत सभी तरह बहुत अच्छे तरफ से काम कर रहे हैं. इनके 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 इनको सिर्फ औरत तालुके में युवकों का और जनप्रतिनिधियों का और उद्यमी लोगों का थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है. वो सोच के हम लोग एकता फाउंडेशन की तरफ से एक पंचायत मीन्स दो गांव में दत्तक ले के क्या कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं. और हमारे आपके माध्यम से अपील है कि औरत तालुके में से जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हो या उद्यमी हो या राजकारणी हो या सोशल वर्कर हो, वो आके एक पंचायत नहीं तो नहीं एटलीस्ट एक गांव, एक गांव भी नहीं हो तो सकता है तो एक गली भी नहीं हो सकता तो एटलीस्ट एक घर करके अगर हम इस महामारी से लड़े तो हम ये कोरोना को हरा सकते हैं. बरोबर हमारे अभी तक बीदर डिस्ट्रिक्ट में खुशी की बात यह है कि अभी तक हम लोग थर्ड स्टेज में एंटर हुए तो भी एक भी पॉजिटिव नहीं है. ऐसे ही हम लोग जागरूक होके पूरा इसका पालन करना बोल के कर रहे हैं, करना बोल के. और मीडिया भी बहुत अपना काम निभा रहे हैं. विशेष करके मैं आपके माध्यम में भी रेगुलर में अवेयरनेस देख रहा हूँ. आप सभी लोगों को भी मैं अपील करता हूँ कि ऐसे ही हम लोग काम करके कोरोना को हराएंगे और हम लोग जीतेंगे कहते हुए मेरा अपना वो बात खत्म करता हूँ. फाउंडेशन की तरफ से श्री रविंद्र स्वामी हल्लाड़ी, इन्होंने जो ग्रह उपयोगी जो सामान है डेली यूज होने वाले कोलगेट ऑयल, कोकोनट ऑयल, शुगर, चाय का पत्ती, मिर्ची, हल्दी, नमक, ऐसा 15 आइटम जो है चांदोरी हल्लाड़ी, कोरेकेल, मुदड़वी, थाना कुशनोर प्रॉपर औराध में ऐसा 1,500 किट रेडी करके दिए हैं आज तक, कल से आज तक. और सभी गांव में मास्क, सैनिटाइजर, हमारा KEB डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत स्टाफ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स, ये सबको दिए हैं. तो मेरा कहना यही है जो रवि साहब वर्क कर रहे हैं वैसा ही तालुके के कोई जनप्रतिनिधि, कोई स्वयंसेवी संगठन, उद्यमी आगे आके एक एक गाँव, एक पंचायत ऐसा दत्तक लेके काम किए तो एक गरीब लोगों को जो रवि स्वामी के हाथ से जो कार्य हो रहा है वो तो दूसरे लोग भी करना चाहिए बोल के मेरा एक अपील है. मैं चांदोरी और हल्लाड़ी की तरफ से श्री रविंद्र स्वामी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ.